कहते हैं कि आंखें दिल की हर बात बयां करती हैं। एक औरत की खूबसूरती का राज होती हैं आंखें। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हर वक्त किसी न किसी काम में उलझ कर रह जाने से आपकी आंखों पर कितना असर पड़ता है, खास करके तब जब आप खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। तो बहुत जरूरी है कि भगवान की इस खूबसूरत देन यानी कि आंखों का हम बेहद ख्याल रखें, क्योंकि आंखों में ही छुपे हैं आपके सारे इमोशंस, आपका दर्द, आपका प्यार और आपकी प्यारी सी मुस्कान। डार्क सर्कल्स के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि फटीक होना या हेरिडिटी होना डार्क सर्कल्स, या अगर हम देखें कि हम लोग अगर रेस्ट नहीं लेते हैं या घंटों भर अगर हम कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, तो ये हमारे सबसे बड़े रीजंस होते हैं डार्क सर्कल्स के। डार्क सर्कल्स को हम 100% क्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन होम रेमेडीज से क्योर करके हम इसको थोड़ा थोड़ा अपने डार्क सर्कल्स से निजात पा सकते हैं। तो डार्क सर्कल्स के लिए डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि सबसे पहले अपनी बॉडी को फिट करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पिएं। और अगर आप कंप्यूटर के आगे ज़्यादा बैठते हैं या रीडिंग की आदत है, या अगर आप देखते हैं कि अगर आप धूप से बाहर से आए हैं, तो अपनी आईज को थोड़ा रेस्ट दें और अपनी पलकों को कम से कम 25 से 30 बार झपकाएँ, ताकि एक आपकी आँखों की एक्सरसाइज हो और जिससे डार्क सर्कल्स आपके इम्प्रूव हो गए। क्योंकि जब हम आईज की एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम हमारे आंखों का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। अगर होम रेमेडीज में देखा जाए तो कुकुम्बर सबके घर में पाया जाता है। कुकुम्बर एक ऐसा वेजिटेबल है जिस जो कि अगर आप आईज पे लगाते हैं, डार्क सर्कल्स पे लगाते हैं, आपको डार्क सर्कल से तो राहत मिलती है, लेकिन आपकी आईज में थोड़ा कूलिंग इफेक्ट भी आता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करते हैं और आपके डार्क सर्कल्स को लाइट भी करते हैं। दूसरी रेमेडी देखी जाए तो पोटैटो को अगर हम लें, पोटैटो अपने आप में एक ब्लीचिंग एजेंट है। अगर हम पोटैटो के छोटे छोटे स्लाइसेस काट करके आइस को अच्छे से क्लीन करके 10 से 15 मिनट के लिए अपनी आइस पे रखें, तो वो भी हमारे डार्क सर्कल्स को धीरे धीरे लाइट करने में बहुत मदद करते हैं। आप चाहें तो पोटैटो जूस के अंदर थोड़ा सा आप लेमन की 2-3 ड्रॉप्स डाल करके, प्लस थोड़ा सा आप मिल्क पाउडर डाल करके एक पेस्ट बना करके अपनी आइस पर 10 मिनट के लिए लगा सकते हैं और उसे ल्यूकवॉर्म वाटर से धो दीजिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको डार्क सर्कल्स लाइट होते नज़र आ रहे हैं। डार्क सर्कल से राहत पाने के लिए अगर आप चाहें तो कॉटन के बॉल्स पे आप रोज़ वाटर डाल करके अपनी आँखों पर 10 से 15 मिनट के लिए रख सकते हैं। डार्क सर्कल से राहत पाने के लिए सबसे बड़ा नुस्खा ये है कि आप अपनी आईज़ में कोल्ड एंड हॉट कंप्रेशर के छींटे मारें। जैसे कि आपने हॉट थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया, उससे आँख पे छींटे मारें और उसके बाद फिर एकदम चिल्ड वाटर से, फिर आप 2 से 3 बार इस प्रोसीजर को रिपीट करें, तो आप देखेंगे कि आपका आईज़ का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और धीरे धीरे डार्क सर्कल्स कम होने शुरू हो जाए। अगर हम अपनी आइस पर मसाज करते हैं तो मसाज के लिए आपको एलमंड ऑयल की ज़रूरत है और विटामिन ई ऑयल की ज़रूरत है। रिंग फिंगर पर एलमंड ऑयल और विटामिन ई ऑयल लेकर के आप अपनी आइस की मसाज कर सकते हैं। इससे आपके आइस की ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा और धीरे धीरे आपके डार्क सर्कल्स भी धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। गाजर के द्वारा भी हम अपने डार्क सर्कल्स को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। गाजर को ग्रेट करके आप अपनी आइस पर 10 से 15 मिनट लगा सकते हैं और जो गाजर के पत्ते होते हैं उसको आप गर्म पानी में भिगोइए थोड़ी देर के लिए और फिर उसके पानी को पीजिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे डार्क सर्कल्स कम होते नज़र आएंगे। डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए अगर आप चाहें तो रात में विटामिन के बेस्ड क्रीम्स आप अपने आइस के ऊपर लगा सकते हैं। उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप एक अच्छा बैलेंस डाइट लें, एक हेल्दी फूड लें, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएँ। डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए आप अच्छी बैलेंस डाइट लें, अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करें और अपनी स्किन को थोड़ा सा रेस्ट दें, स्ट्रेस से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखें, अपनी आइज को थोड़ा रेस्ट दें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके डार्क सर्कल्स कम हो गए हैं।